नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों से की केंद्रीय बजट पर चर्चा। आम बजट को बताया भारत के भविष्य के विकास का खाका, आम लोगों से भी देश के विकास में भागीदारी का किया आह्वान। झारखंड सरकार को दी केंद्रीय राशि के सही उपयोग की सलाह। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को मिली विकास की सौगात। जनहित की कई योजनाओं के लिए 4,39,00,000 का मिला फंड। नगर विकास व आवास विभाग झारखंड सरकार की ओर से मिली है सौगात। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में रही सरस्वती पूजा की धूम। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से हुई पूजा। शहर से गांव तक चौक चौराहों पर भी हो रही है मां सरस्वती की पूजा अर्चना। युवाओं में उत्साह, रंग बिरंगी साड़ियों में सजी चहक रही है लड़कियां। आइए बात करते हैं बन्ना गुप्ता द्वारा करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किए जाने की। जमशेदपुर पश्चिम में विकास की नई बहार आने को है। शनिवार को विकास उन्मुखी विभिन्न योजनाओं की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आधारशिला रखी। जनहित की सभी योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार शुरू की जाएगी। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार की ओर से करीब 4,39,00,000 की योजनाओं की सौगात दी गई है। शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने योजनाओं की विधिवत घोषणा करते हुए सभी योजनाओं की आधारशिला रखी। मंत्री ने जल्द ही सभी योजनाएं पूरा होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के हिसाब से योजनाओं का चयन करने को कहा गया था, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा करीब 4,39,00,000 की योजनाएं स्वीकृत की गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के विकास के लिए कृत संकल्पित है। विभाग की तरफ से क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का चयन किया गया था, उसी के आज शिलान्यास का एक कार्यक्रम है जो 4,39,96,041 रुपया की ये कुल लागत से शहर की विभिन्न योजनाएं जमशेदपुर पश्चिम की, जिसमें यातायात सुविधा है, कुछ नागरिक सुविधा है, कुछ पेयजल संबंधित है, ऐसी कई एक जन उपयोगी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आज इस शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे अधिकारियों का कि वो लगातार प्रयास करके, जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी का विजन भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये गठबंधन की सरकार का विजन है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए जनता की जन भावनाओं की कदर करते हुए जो भी जन समस्याएं हैं, जो अति आवश्यक हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं को दूर करना, इसी के तहत जो है 4,39,96,041 रुपये की योजनाएं आज स्वीकृत हुई हैं, जिसका स्वीकृत भी हो गई है और अब ये कार्य जो है विधिवत जो है इसको अब धरातल पर उतारने जा रहे हैं। आज जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा और उनके कर कमलों और माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि के द्वारा आज यहाँ पे हम लोगों ने नागरिक सुविधा मद और सड़क परिवहन मद में करीब 4,39,00,000 रुपये का विभिन्न योजनाओं का हम लोग आज शिलान्यास किया गया है। और आप देखेंगे कि कोविड के बाद जो योजनाएं थम सी गई थी, विकास के कार्य थम सा गया था, उसको आज मंत्री जी के द्वारा धरातल पर उतारने हेतु आज खुद अपने हाथों से उन्होंने शिलान्यास किया है। और हम लोग ऐसे ही चाहेंगे कि ये जो है योजनाएं जो है और जनता को समर्पित हो, और जिस तरह से हम लोग विकास योजनाओं का चयन किए हैं जिला योजना चयन समिति में, उसको लेकर भी हम लोग अब एस्टिमेट बना रहे हैं। अभी तक एक दो महीने के बाद फिर से हम लोग एक बड़ा शिलान्यास करने जा रहे हैं
जो सीधे जनता को बेनिफिट मिलेगा। तो एक माननीय मंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि हम लोग जो है जैसे प्रतिनिधि बन के आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो जनता की समस्याओं को दूर करें, तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और माननीय मंत्री जी के द्वारा आज जो है विभिन्न योजनाओं को शिलान्यास कर जनता को सीधे समर्पित करते हुए जनता के लिए विभिन्न योजनाओं को आज यहाँ पे धरातल उतारने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कटिबद्ध हैं, आगे भी हम लोग इस तरह का और भी कार्य करेंगे और जो भी सपना रहेगा राज्य सरकार का उसको हम लोग पूरा करेंगे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर स्थित GGSPI इंस्टीट्यूट में आयोजित सरस्वती पूजा समारोह की। आदित्यपुर स्थित GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर हर्षोल्लास भरे वातावरण में सरस्वती पूजा आयोजित हुआ। कोरोना के कारण करीब 2 वर्ष बाद आयोजित पूजा अनुष्ठान में बड़ी संख्या में इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षु जुटे और मां सरस्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा की। आदित्यपुर और गम्हरिया में स्थित GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। करीब 2 वर्ष बाद इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का जुटान हुआ। सभी ने मां सरस्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान की शिक्षिका सुखपाल कौर, रोशन कुमार, मंजीत कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इंस्टीट्यूट के निदेशक गुरप्रीत सिंह सेहरा ने बताया कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा आयोजित की गई है। इस मौके पर यहां छात्र छात्राओं के लिए भोग का भी आयोजन किया गया। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस तरह इस वर्ष भी 2022 में आदित्यपुर एवं गम्हरिया के प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर GGSPI कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की गई है। लगभग संस्थान के सभी छात्रों ने उपस्थित होकर मां सरस्वती के पुष्पांजलि के उपरांत चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मां सरस्वती सभी छात्रों पर अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे एवं हम सभी शिक्षक छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। यहां सभी के लिए मुख्य रूप से भोग का वितरण किया गया है। भोग में खिचड़ी, खीर एवं सब्जी का वितरण किया गया है। साथ ही साथ मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया और सही समय पर निर्णय लेकर के हम सभी को सरस्वती पूजा को स्वतंत्र रूप से आयोजन करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और अब बात बसंत पंचमी पर शहर से गांव तक सरस्वती पूजा की मची धूम की। जमशेदपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में बसंत पंचमी के अवसर पर शनिवार को मां सरस्वती की परंपरागत हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना हो रही है। विभिन्न स्कूल कॉलेजों में एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ ही अन्य स्थानों पर भी जगह जगह मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन परंपरागत रूप से विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कोरोना को लेकर लगभग 2 वर्षों के बाद स्कूल कॉलेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में इस बार फिर सरस्वती पूजा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर स्कूल कॉलेजों में समारोह का माहौल है। शिक्षण संस्थान शनिवार को सुबह से ही छात्र छात्राओं से गुलजार हो रहे हैं। इसके अलावा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चौक चौराहों पर भी पंडालों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। इसे लेकर युवाओं विशेषकर लड़कियों में खासा उत्साह दिख रहा है जो रंग बिरंगी साड़ियों में सजी विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा में शामिल हो रही हैं। भारतीय युवाओं की पोशाकों में चाहे जितनी आधुनिकता आ गई हो लेकिन सरस्वती पूजा के दिन वे अपनी परंपरागत साड़ी पहनना नहीं भूलती। कई छात्राओं ने बातचीत में बताया कि जमाना बदलने के साथ साड़ियों का ट्रेंड भले कम होता गया हो लेकिन अब महिलाएं एक बार फिर साड़ियों की ओर लौट रही है। युवतियों का तो यहाँ तक कहना है कि आज जब भारतीय साड़ियाँ दूसरे देश की महिलाएं अपना रही है तो फिर वे अपने परिधान को कैसे भूल सकती है। साड़ी सभ्य नारी और भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। साड़ी का मतलब है कि ये तो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, ठीक है, और ये बहुत बरसों से हमारी दादी मम्मी नानी पहनते आई है, ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि वो वेस्टर्न पहनते हैं, पूजा हो, फंक्शन हो, कहीं भी, बट आप फॉरेन एरिया जाइए या कहीं भी जाइए वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साड़ी हमारे यहाँ का साड़ी वो वहाँ पहनते हैं और ये हमें भी पहनना चाहिए क्योंकि कल्चर
कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये सभ्यता है, संस्कृति है। मैं तो 10th क्लास से पहन रही, मैं बचपन से सोचती थी कि मैं साड़ी पहनूं, पूजा में इतनी संभाल तो पाती नहीं थी, बहुत छोटी थी, बट बड़े लोगों को देखती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बट जब मैं 10th में आई, फिर पूजा वूजा तो होना शुरू हुआ, फिर मैंने पहनने लगे, आज तक पहन ही रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ सभी सरस्वती पूजा में 2 साल बाद अभी सरस्वती पूजा हो रहा है, हम लोग को बहुत खुशी है कि सरस्वती पूजा हो रहा है। सारे लड़की लोग साड़ी पहन के आई हुई है, और साड़ी इतना महत्व है हम लोग का, भारत का, बाहर कंट्री तक अभी बाहर के लोग भी पहन रहे हैं साड़ी। हम तो 2 साल से साड़ी पहन रहे हैं। साड़ी हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण साड़ी है, हम लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। हम लोग वेट कर रहे थे 2 साल से कि हम लोग साड़ी पहनने का मौका दोबारा मिले, कॉलेज आने का तो मौका दोबारा मिले। पता चला कि कॉलेज में नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग आए कि क्या पता हो जाए तो हम लोग मस्ती कर सके, जो 2 साल हम लोग मिस किए घर में रह के कोरोना के टाइम। वहीं सरायकेला से खगेन चंद्र महतो की रिपोर्ट के अनुसार चांडिल के कपाली कैंदडी में सरस्वती पूजा की धूम मची हुई है। यहां मां सरस्वती का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ ही अन्य स्थानों पर भी पंडाल बनाकर मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिख रहा है। हालांकि कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर काफी सतर्कता बरती जा रही है। क्षेत्र में इस बार भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा हो रही है। हालांकि कोविड को लेकर इस बार कई पूजा कमेटियों ने सरस्वती पूजा स्थगित कर दी है। उधर सरस्वती पूजा में हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। और हम लोग बहुत मतलब कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए पूजा का आयोजन किए हैं, और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग अगले साल इससे और अच्छा आयोजन करेंगे। ऐसा तो कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए हम लोग कोई प्रोग्राम का आयोजन नहीं किए हैं, फिर सादगी भाव से हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं। और सरकार जो बोले हैं कि साउंड बॉक्स का आयोजन नहीं करना, वो सब हम लोग नहीं किए हैं, पूरा सरकार का गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग पूजा का आयोजन किए हैं। सरस्वती पूजा कोविड गाइड के अनुसार ही मना रही सरकार ने, जैसे हम लोगों को बताया कि ज़्यादा साउंड वगैरह नहीं, वैसे ही हम लोगों ने अपना कार्यक्रम के साथ नहीं किया। और बसंत पंचमी में सभी छात्र सरस्वती पूजा का अवसर पूजा करते हैं, लेकिन इस बार कार्यक्रम हम लोगों का थोड़ा सा लोग रहा है। हम लोग सभी छात्र माँ सरस्वती से ही मांग करते हैं कि अगले साल कोविड जैसे उनका नहीं इधर पोटका से अभिजीत सेन की रिपोर्ट के अनुसार पोटका प्रखंड क्षेत्र में भी सरस्वती पूजा धूमधाम के साथ आयोजित की जा रही है। क्षेत्र के खैरपाल में सुपर जूनियर फैंस क्लब की ओर से भव्य सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया गया। गांव के बच्चों द्वारा आयोजित पूजा पंडाल का कोवाली थाना प्रभारी अमित रविदास ने विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर थाना प्रभारी अमित रविदास ने कहा कि वे थाना प्रभारी बनने से पहले अपने गांव में हर साल अपने हाथों से मां सरस्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा करा। उद्घाटन के अवसर पर थाना प्रभारी अमित रविदास ने कहा कि वे थाना प्रभारी बनने से पहले अपने गांव में हर साल अपने हाथ से मां सरस्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा कराते थे। उन्होंने मां सरस्वती से सारे बच्चों के लिए शिक्षा का वरदान मांगा। वहीं राजश्री पति ने कहा कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के उत्साह को मूर्त रूप देने का काम किया है। आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्रकारों के साथ बजट पर चर्चा की। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को जमशेदपुर में पत्रकारों के बीच केंद्रीय बजट एवं उसके पीछे के दृष्टिकोण की चर्चा की। उन्होंने इसे भविष्य के भारत का बजट बताते हुए देशवासियों का सरकार के साथ चलते हुए देश के विकास में भागीदारी के लिए आह्वान किया। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को जमशेदपुर में पत्रकारों के बीच केंद्रीय आम बजट पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आम बजट को भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर देश के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का खाका बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भविष्य के भारत के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आगामी 25 वर्षों का प्लान तैयार किया है, जिसे आम लोगों को जोड़ते हुए साकार किया जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त धन भी जुटाया जा रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार का भी केंद्र से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग करते हुए राज्य के विकास के दिशा में अग्रसर होने का आह्वान किया। हो चाहे रोडवेज हो, चाहे एयरवेज हो, चाहे रेलवेज हो, सभी क्षेत्रों के साथ मिलकर के
जो आधारभूत संरचना का एक नेटवर्क, बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाना है, ये पीएम गति शक्ति के माध्यम से, यानी स्पेशल एफर्ट्स कैसे हो ये सुनिश्चित किया गया, और इसका एक पीएम गति शक्ति का नेशनल लेवल में राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया जा रहा है कि इसमें किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को, किसी भी जिले को हम इन कारकों के साथ निर्बाध ढंग से बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में लेकर आएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना में, पाइपलाइन में इन सात कारकों से जुड़ी परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाए। आपको पता होगा कि इस समय हम, अगर आप पिछले सात वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन इसके पहले से करेंगे तो आपको स्वतः स्पष्ट होगा, इस नेशनल हाईवेज नेटवर्क किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, तमाम तरह की बाधाओं। आप देखिए, जो वर्षों से अधूरे थे, कोर्ट केसेस लंबित थे, कुछ सीबीआई से इंक्वायरी के स्तर पर था, कुछ कोर्ट में पहुंचे हुए थे, वैसे सारे इस तरह के नेशनल हाईवे जितने हैं उन सारों को दूर करते हुए सड़क मार्ग का कार्य देश भर में तेजी से चल रहा है, और 22-23 के बजट में 25,000 किलोमीटर विस्तार का योजना का लक्ष्य रखा गया है, और विस्तार के लिए 20,000 करोड़ से अधिक रुपया प्रबंधन व्यवस्थित किए जाएंगे, जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु का व्यापार और वाणिज्य के साथ तभी होता है जब वो कनेक्टिविटी अच्छा हो, और कई बार हम सड़कें बना देने के बाद में ये देखते हैं कि लॉजिस्टिक सही ढंग से नहीं होने के कारण वो जो ट्रांसपोर्ट का लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इस दृष्टि से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विभिन्न स्तरों पर, वो पीपीपी मोड में भी हो सकता है, इसमें लोगों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की व्यवस्था की गई। रेल मार्ग में 2022-23 में यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी क्षमता विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और उसका क्षमता इस ढंग से होना चाहिए कि रेलवे मार्ग नेटवर्क में हम 2000 किलोमीटर सड़क को उसके साथ जोड़े, यानी रेलवे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट होगा, टेक्नोलॉजी का पार्ट। हर एक स्टेशन में एक उत्पाद, यानी जैसे हमारा ये जिला है, इस जिला का जो स्टेशन है, इस जिला के तमाम एक ऐसे उत्पादन जिस पर यह हम सुनिश्चित कर दे कि यह सिंहभूम जिला का उत्पादन, यह चाईबासा जिला का उत्पादन, यह सरायकेला खरसवां का उत्पादन, एक प्रोडक्ट, यानी उसको जियो टैग के साथ, जीआई टैग के साथ देखा जाएगा, उस क्षेत्र का परिचय उस उत्पाद के साथ विशेष तौर से जुड़े रहेंगे। अन्य अन्य उत्पाद भी हो सकते हैं, अन्य अन्य तरह की चीजें भी होगी, लेकिन हम फोकस इस तरीके से करेंगे ताकि बल्क मार्केटिंग, बल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में काम आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अधिकतर समय स्वच्छ पेयजल के अभाव में बीमारियां फैलती है, इसलिए पहले ही
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक अलग से मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है और उस जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से अब लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि हर घर नल से जल के तहत। कैसे? संपूर्ण भारत के उन गांवों को जोड़ा, सभी राज्यों को प्रोजेक्ट के आधार पर पर्याप्त मात्रा में राशि दिया जा रहा है और इसमें प्रोजेक्ट जितना जल्दी सबमिट करेंगे उतना जल्दी राज्यों को राशि प्रदान की जाएगी, की जाती है। इस बार आपको खुशी होगी कि 2022-23 में आपने देखा होगा इसके पहले बजटीय प्रोविजन कैसे होता है नॉशनल तरीके से, लेकिन इस बार इसे टारगेट ओरिएंटेड बनाया गया है और 3,80,000 लोगों तक लक्ष्य रखा गया है, उन परिवारों तक, लोगों तक नहीं परिवारों तक, जिसमें 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, 60,000 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये और इसमें सभी को ये लक्ष्य दिया गया है राज्यों को कि इसमें जितना अधिक वो गति दे सकते हैं बढ़ा सकते हैं। और अब बात करते हैं भाजमो विधायक सरयू राय द्वारा जमशेदपुर पूर्व में दो योजनाएं शुरू किए जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बसंत पंचमी से जनहित में 5 रुपए में एक शाम खाना खिलाने के साथ ही क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों के लिए पार्टी कार्यालय में विशेष कक्षाएं आयोजित कराने की भी घोषणा की है। भोजन योजना की तो शनिवार को सरस्वती पूजा से शुरुआत भी कर दी गई। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने बसंत पंचमी के अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से जनहित में 2 कार्य आरंभ करने की घोषणा की। बारडी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक सरयू राय ने कहा कि भाजपा की ओर से क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को दिन में एक शाम मात्र 5 रुपए में खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने शनिवार को इस योजना की शुरुआत भी की जिसमें लोगों के बीच खिचड़ी एवं खीर परोसा गया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों के लिए पार्टी कार्यालय में विशेष कक्षाएं आरंभ कराने की भी घोषणा की। इसके तहत 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनके विषय पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पार्टी कार्यालय चलेगा जबकि उसके बाद इन विद्यार्थियों की कक्षाएं आयोजित की जाएगी ताकि उनकी भी समुचित पढ़ाई हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्यालय में अपेक्षित बदलाव किए जा रहे हैं जिसके बाद कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी। नई कार्यशैली के साथ काम करना, नई कार्यशैली के साथ हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इसलिए बसंत पंचमी के दिन हम लोग 2 कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं। एक कार्यक्रम ये है कि अपने कार्यालय से हम 5 रुपए में दिन में एक शाम का भोजन लोगों को कराएंगे, जो भी चाहते हैं चावल दाल सब्जी उनको खिलाएंगे। इस योजना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और दूसरा है कि मैंने ये तय किया है कि हमारा जो कार्यालय है ये जब तक सरकार के कार्यालय काम करते हैं उतना देर तक खुला रहेगा, 10 बजे से 4 बजे तक खुला रहेगा और इस बीच में लोगों के काम होंगे। बाकी समय में शाम को 4-4:30 बजे से हम यहाँ अपने क्षेत्र के जो जरूरतमंद परिवार हैं उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चों का भी एक ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप 10वीं क्लास का रहेगा, एक 12वीं का रहेगा और रोज 3 क्लास होंगे। उसका खाका हम तैयार कर रहे हैं, थोड़ा बदलाव यहाँ करना होगा। 20 से 25 बच्चों का एक ग्रुप होगा ताकि उनकी पढ़ाई अच्छा हो सके। तो जो लोग ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, कोचिंग नहीं करा सकते हैं, स्कूलों में बढ़िया जगह नहीं पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चों का आधार भी मजबूत हो और मैट्रिक और 12वीं क्लास की उनकी पढ़ाई में हम कुछ सहायता प्रदान कर सकें, तो ये फ्री पढ़ाई, निःशुल्क पढ़ाई का काम हम शुरू करेंगे और योग्य शिक्षकों के माध्यम से शुरू करेंगे।
बात करते हैं कुर्मी सेना द्वारा भोजपुरी मगही की मान्यता रद्द करने की मांग किए जाने की। झारखंड में मगही एवं भोजपुरी भाषा को मान्यता दिए जाने को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। आदिवासी मूलवासियों में इसे लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने राज्य सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में भोजपुरी एवं मगही भाषाओं को राज्य में सीमित मान्यता प्रदान की है। राज्य के आदिवासी एवं मूलवासी इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मुखर विरोध कर रही कुर्मी सेना ने राज्य सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि भोजपुरी एवं मगही झारखंड की भाषाएं नहीं बल्कि कुर्माली, संताली, हो, मुंडारी आदि झारखंड की भाषाएं हैं। इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर भोजपुरी एवं मगही की मान्यता खत्म करनी चाहिए। कुर्मी सेना के अध्यक्ष लालटू महतो ने कहा है कि हर एक राज्य की भाषा एवं बोली है जिसे वहां मान्यता दी गई है। झारखंड में संताली, कुर्माली आदि को ही मान्यता मिलनी चाहिए। लालटू महतो ने 1932 और 1964 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता परिभाषित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि झारखंड सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो बहरागुड़ा से लेकर सरायकेला तक मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया जाएगा। आज मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर जिस तरह से एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, ये झारखंड सरकार को मानना चाहिए कि भोजपुरी भाषा हमारा झारखंड का भाषा है ही नहीं। इसको इस तरह से अगर थोपा जाएगा तो कुर्मी सेना बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह बंगाल में बंगाली भाषा है, बिहार में बिहारी भाषा है, गुजरात में गुजराती भाषा है, उसी तरह झारखंड का भी एक भाषा है, वो कुर्माली है, संथाली है, तो इस तरह का भाषा है और इस तरह का भोजपुरी भाषा नहीं है। ये हम बोलना चाहते हैं कि 1964 और 1932 का खतियान को लागू कर देना चाहिए। जो लोग 1962 और 1964 का खतियान को दिखा सकता वो लोग झारखंडी है, चाहे वो बिहारी हो चाहे कोई भी जाति का क्यों नहीं हो। अगर वो खतियान दिखा सकता है तो वो खतियानदारी के आधार पर और झारखंडी होना चाहिए। यही मांग हम झारखंड सरकार और हेमंत सरकार से करना चाहते हैं कि हमारा मांग को ये सब मांगा जाए। नहीं तो जिस तरह से मानव सिंगार बोकारो और धनबाद में दिखा, उस तरह से हम लोग बोढ़ागुड़ा से लेकर सरायकेला तक ये मानव सिंगार सारा गाँव के लोग रोड में आने का काम करेंगे और विरोध जताएंगे अगर हमारे मांग को नहीं माना जाए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। अब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।